ये नीचे नमूना उस तरह घेर दी दोबारा लिखाड़ो कुछ सारी वो फूट लेगी इतने दे तो लगाऊं गाल दो जितनी आओ एक अधिक कटोरी काट दूंगा नहीं ना है वो नीचे मत खिंडाइए याडे बना देगी चूरा या तो धरती आना ना वो खा तो ले तू बस भर गया डब्बा ये बोले आऊं कटोरा सा ऐसी भी और ना वैसे उसमें गाल ले आड़े धर ले नहीं ना उड़े तो कीड़े चढ़ जाए चलो पहले आप नहाओ स्कूल के लिए चलो इतना बड़े खा लेगी हेलो जी राम राम भाई कैसे हो सारे फिर से स्वागत है बी ब्लॉग में बच्चे चले गए स्कूल में ना वो भी चली गई काम मेरा हो गया लगभग 11 बजने वाले हैं और चाय बना के लाई हूँ एसी हमारा अभी तक चल रहा है और ये आज है छुट्टी पे इनका मुँह देखो और नुगा मन्ना मत दिखाइए रजत देख लेगा अगर रजत के मारे रोज वो लोग थोड़ी देखता होगा आज ये छुट्टी मना रहे हैं इनका मुँह देखें साथ में नुगा है मेरी भी चाय बना ला पापड़ तो भाई थोड़ा चले मैं भी सेक लाई एक पापड़ अपना आज चाय पी कर नहाऊंगे सब्जी बना ली है सुबह बच्चे आऊंगे 12:30 12:15 बजे से बनाऊंगी रोटी बता 1 घंटे बाद चाय तो पी ली है भाई ये भी इनकी फरमाइश देखो ये रखे हुए थे फ्राई करने वाले मेरे पास तो उन्होंने वे और ले आते मैंने वही रोटियाँ कट्टा में ना हो जाएगा कि ना और जो मैंने मसाला बनाया था भाई रायते उसके लिए वो कहे वो डाल के ले आते मैं सोचूं सारे तल दूँ पैकेट है छोटा सा एक ये है थोड़े से और है तेल तो गर्म हो ही रहा है तो बच्चे खा लेंगे फिर आएंगे शाम सुबह ने खा लेंगे रवि ने देखना अपना सीरीज देखने लग रहे हैं इतना टाइम लगा दिया बहुत बाबूजी बने चल जाओ तो खा के तो देख लो सही भी है कि ना ओके ओके ये कुछ ना बिगड़े सारे तल दूं मैं देर नु बालक भी खा लेंगे मसाला हो गया अगे और गेरु बतेरा गेर ले आई मैं बतेरा गेर ले आई लाऊं मसाला लो भी हो गए फ्राई पूरे और ये मैं सोच रही हूँ अंदर भी रख दूँ ढक के क्योंकि यहाँ हमारी कीड़ियों का पूरा वो है तेल गर्म हो रहा था तो भाई साथ में कर दिया पूरा एक पैकेट तल दिया मैंने यू ये मैं पिछले साल लाई थी मॉल में तो रखा हुआ था दो लाई थी एक यूज़ हो गया था ये देखो नू देखा है और लिया ये मैंने तले दिए सारे मगर फिर बच्चे भी खा लेंगे न वो आते फिर बाहर की चीज़ लेने बाजे है जब आधी खा लेगा आके आधी आके भाई रोटी नहीं खाता उसने फ्रूट चाहिए चाहे कुछ अटरम सटरम चाहिए शाम में खाया करे अरे ये अपने इधर लग रहे हैं मैं लूँ ना फिर करेंगे कुछ काम बर गिरे गर्मी में इतनी देर में पसीने आ गए अगर है ना वो है ना वो मोहित मम्मी ये काम करे तो के काम करे है रोटी दे कर दे चून की मत वो खराब कर इस चून ने खराब करके छोड़ देगी वो ये छोरी आप स्कूल से आ गए आज क्या क्या किया मैम ने वीडियो भेज रखी है मेरे पास टेडी भी है टेडी भी है शर्मा अरे ये तो छोटी सी परी क्या करिए
सर पे मत लगावे। हाँ भाई पूरब सेठ, मन नहीं लगता क्या हमारे बिना तेरा है? अभी शाम हो गई 6 बजे। नबू कहाँ गए थे आप लेके से? चीजी नाने जाओगी, मैंगो भी खा लिया अब दोबारा है। रू जा भी पैसे दूंगी, पहले इसको बंद करो छुट्टी टूट जाएगी। इधर ये पड़े हैं भाई, देखो छुट्टी कैसे आनंद लिया जा रहा है। भैया आप करवा लो, हो जाएगा बंद। मेरे को दे 16, 17, 18। जापड़े पापा को कह दिया हमारे पैसे खत्म हो गए, ठीक है? कह देगी ऐसे तू दे हूँ। क्या दिखाने लग रहे हो आप? जो 5 रुपीज की ले लिए चीजी और ना लिए, क्या देख रहे हो? लो दाग के ये अपने घूमने की वो दिखाने लग रहे हैं। क्या हुआ, सुआ लगा किधर? सही रहा, बहुत दिन हो गए भाई। इसका जब तुम वैष्णो देवी तो आए ना, उसका हल्के हल्के दाने से दे। मैंने याद कर ली दवाई, देखो साबुन भी दे दिया न्यारा। ये गर्दन से नीचे लगाना है, ऊपर नहीं लगाना। नहीं नीचे नीचे, ये संटू का भी हो रही है तो ये मौसी का भी। अच्छा पूरे शरीर से मतलब गर्दन से नीचे? बताओ पापा से क्या है ना, पापा क्या है उसको ना, इतने पापा ना रहने दे, बताऊंगी। हां मोमोज चटोरी मैंने हमारी मेरी बॉडी की कितना दी पाचा मामा दादी मामा दादी मम्मी दादी भाई देख लो मामा दादी मम्मी की चटोरी आईसी में रख दे चटोरी मम्मी ने एक लोशन एक साबुन है बस है। खान की दवाई ना दी? हां खान की। जब मैं रात को सो मम्मा जब खाना खा लिया ना पैसे आए ना हमारे पास सारे, मैं खा गया थोड़ी देर। लो जी हो गया काम दाम, खाना वाना भी हो गया है, टाइम हो गया है। नो हेलो जना दे। और भाई आप सबको बताना था कि आज मेरे साथ हो गया एक स्कैम, मतलब नो लगा रहो एक फ्रॉड टाइप का हो गया है। आदि के पापा का आने वाला है बर्थडे, आदि के पापा का आने वाला बर्थडे भाई 10 तारीख को उनका बर्थडे है, आज 7 तारीख। तो मैं सोच रही थी उनके लिए क्या गिफ्ट दूँ, तो मैंने इंस्टा पर कई देखे थे। एक है MD3 टॉय टाइप के, मतलब उसके हाँ उसके नाम से आईडी है भाई इंस्टा पे। एक तो रियल है एक फेक बना रखी है। अरे फेक तो कई होंगी, तो मेरी भी बात बोलने देगा अब। तो भाई वहाँ पे मैंने उनके ऐड देखे थे भाई इंस्टा पे, कि भाई जैसे उन्होंने ना फोटो है ना तो इंसान का मतलब स्टैचू सा बना दे पूरा। तो मैंने सोचा क्यों ना मगा दिए पापा को उस टाइप तो कुछ गिफ्ट बनवा लूँ, मगा 8 इंच 10 इंच 12 इंच। वो तो चलो मैंने 800 रुपये वाला सिलेक्ट करा था, 10 इंच का था वो। तो उन्होंने मेरे से 200 रुपये एडवांस लिए। मैंने उनकी देखी तो थी रियल वाली आईडी, लेकिन मैंने उसको फिर बंद कर दिया। फिर बाद में मैंने दोबारा इंस्टाग्राम खोला भाई, मैंने कार्तिक से बात करी, कार्तिक बोला ठीक है करवा ले भाई, इनको तो बताया ही नहीं था। तो मैंने उस पर मैसेज करा तो उनको फटाफट आ गया भाई रिप्लाई। और रिप्लाई आने के बाद भाई मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने भाई मेरे को साइज़ के हिसाब से रेट बता दिए। फिर मैंने उनको भाई बोला कि मुझे बोले 2-3 दिन में मिल जाएगा, आप एक फ़ोटो भेज दो हमें सिलेक्ट करके। तो मैंने उनके बाद भेज दी फ़ोटो। उसके बाद भाई 200 रुपये उनको एडवांस दिए, 600 रुपये थे भाई कि आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाए, मतलब बन जाएगा जब हम बता देंगे आपको। तो आज दोपहर में उनका मैसेज आया कि भाई आपका भाई बन गया है तो आप 600 रुपये मुझे
वो कर दो, आपका पार्सल जब ही निकलेगा। तो भाई मैंने 600 रुपये उनको पेमेंट और कर दी, 200 उस दिन कर दी, टोटल हो गए 800 रुपये। तो फिर 5 मिनट बाद फिर फ़ोन आया हुआ है, तो उन्होंने कहा है कि आपको है ना 1190 रुपये फिर से करने पड़ेंगे। आज दुखन लग गया मेरा तनु, 1190 फिर से आपको पेमेंट करनी पड़ेगी जो रिफंडेबल होगी, आपको 5 मिनट के बाद रिफंड हो जाएगी। वो GST है एक तरह का, क्योंकि आपका जो पार्सल है वो बिजनेस वाला नहीं है। जो बिजनेस वाले होया करें, रुक जाना है, जो बिजनेस वाले होया करें ना, तो उसमें उनका GST कट जाता है। पहले आपका बिजनेस का नहीं था, आपका GST नहीं कटा था, ये है वो। तो मुझे उसकी बातों से ऐसे लगा कि भाई हाँ ये मेरा फद्दू खींच रहा है। तो मैंने उससे कही मका कि भाई मगा यो, तो मैंने पहली बार सुना है कि इतने 1-1.5 साल तक मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हूँ कि भाई जितना तो मैंने वो ख़रीदा भी नहीं, 800 रुपये का तो मैं सामान खरीद रही हूँ, अब मैं उस पर 1200 रुपये GST कैसे दे दूँगी। तो कह रहा नहीं ये मैडम रिफंडेबल है, आप विश्वास करो, ये है वो है। मैंने बोला भाई मेरे पार्सल की फ़ोटो भेज मेरा, और मेरा जिसमें नंबर हो, मेरा भाई एड्रेस वगैरह लिखा हो, मेरे पार्सल की फ़ोटो भेज। और फिर कह रहा है कि मुझे नहीं मैडम वो तो है ना निकल चुका है। मैं एक बार तो तूने बता, पहले तो तूने कह के निकला नहीं, फिर नहीं मैडम वो आपको भेजना पड़ेगा, नहीं तो वो आपको रिसीव नहीं होगा, उसको हम वहाँ से वापस मंगा लेंगे। और अपनी उसने आधार कार्ड की पैन कार्ड की फ़ोटो भी भेज दी इंस्टा पे, मैडम आपको भेजना पड़ेगा। मगर तू मुझे फद्दू बना रहा है कि, मैंने उससे 2-3 बात कह दी। उसके बाद उसने मुझे ब्लॉक कर दिया भाई, नंबर जो जिस नंबर तक फ़ोन आया था मैंने वो ट्राई करा तो वो भी नहीं लग रहा है। हाँ तो प्लीज़ भैया आप सबसे रिक्वेस्ट है भाई, मेरे साथ तो सही बताऊँ ऐसा पहली बार हुआ है, क्योंकि मैं 1.5 साल से ऑनलाइन सूट भी मंगवाऊँ, मैंने इंस्टा पे भी सूट मंगवाए हैं वेलवेट के, जो मेरे पास सूट है एक स्टिच वाला है, एक बिना स्टिच वाला है, और एक और नायरा कट मंगवाया था मैंने, 3-4 चीज़ मंगवा रखी मैंने इंस्टा से, ऐसी बात नहीं है। पर ये पता नहीं कि स्कैम होना था यार, वो तो सारा था, एक तो बर्थडे का मूड ख़राब कर दिया, और क्या करना, बस मूड तो बस ही था। चलो कोई नहीं, 800 रुपये गए होंगे पता तो चल गया, पर जो मैंने सोच रही थी कि मैं आपकी बार ये गिफ्ट दूंगी, ये बनवाऊंगी, वो सारा उसने प्लान ख़राब कर दिया। आज 7 तारीख भी जा ली है, बीच में 2 दिन बचे हैं, देखो क्या आएगा। क्योंकि ये टी शर्ट वगैरह है, जो कपड़े वगैरह तो भाई होते रहे हमारे साथ में, वो कुछ ऐसा गिफ्ट था कि कुछ अलग सा हो जाता। पर भाई मैं तो सब तो यही कहूँगी कि भाई कोई भी चीज़ आप ख़रीदो हो तो उसके कमेंट वगैरह जरूर पर डालो। मैंने चेक कर ली रियल वाली, और जब ऑर्डर करा ना वो इंस्टा बंद कर दिया था, बातचीत करके खोला तो उसकी ऐड आई हुई थी, हमें नहीं पता था ये फेक आईडी की है। तो प्लीज़ भाई केयर करो, अगर आपके साथ भी ऐसा होया हो तो कमेंट करके बताना। चलो कोई नहीं, 800 रुपये तो चले गए, 1200 तो बच गए। मेरा इस चीज़ की शांति है कि मैंने 1200 और ना करना था, टोटल 2000 की किस्त सी हो जाती। और मिलते हैं अब कल नए व्लॉग के साथ, बाय बाय।